जमुई से सामने आई इस वीडियो को देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे और फिर स्वास्थ्य विभाग को जमकर कोसेंगे। ये तस्वीर सामने आई है बिहार के जमुई जिले से, जहां एम्बुलेंस खुद बीमार नजर आ रही है, जहां बीमार मरीज के परिजनों को इस बीमार एम्बुलेंस को धक्का मारकर अस्पताल पहुंचाना पड़ रहा है। अब बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग में सुधार लाने की बातें लाख कर ले, लेकिन स्वास्थ्य विभाग में कुछ भी सुधरता हुआ नहीं दिख रहा। सरकार के प्रयास के बाद भी स्वास्थ्य विभाग के हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। आलम ये है कि बिहार का स्वास्थ्य विभाग हर रोज अपने नए नए कारनामों की वजह से चर्चा में रहता है। और इसी बीच एक और ऐसी तस्वीर सामने आई जो एक बार फिर से सुर्खियों में है। किस तरह से एम्बुलेंस को मरीज के परिजन धक्का मार रहे हैं, इस तस्वीर को आपने देखा। बता दें कि झाझा रेफरेंस से एक मरीज को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर किया गया था। मरीज को एम्बुलेंस में रख तो दिया गया, लेकिन अब एम्बुलेंस बीमार थी तो भला स्टार्ट कैसे होती, जिसके बाद मरीज के परिजनों ने आनन फानन में खुद ही एम्बुलेंस को धक्का लगाना शुरू किया। काफी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ और मरीज को जमुई सदर अस्पताल ले जाया जा सका। लेकिन वही इस मामले से इस वीडियो के सामने आने के बाद बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था एक बार फिर से सवालों के घेरे में आ गया। इस मामले पर पूछे जाने पर अस्पताल प्रबंधक नवनीत कुमार ने बताया कि एम्बुलेंस चालक पिछले लंबे समय से हड़ताल पर थे, जिसके कारण एम्बुलेंस खड़ी रही और इसमें तकनीकी खराबी आ गई। इसके बारे में जिला को बार बार चालक के द्वारा उनके एसीओ को जोड़कर एम्बुलेंस का देखरेख खर्चन को सूचना दी गई थी, तो उसमें दो बार गैरेज में गई थी, गाड़ी ठीक भी हुई थी। फिर कल सुबह में ये व्हाट्सएप है कि ये चीजें हुई है और हम इस बार फिर से लिखित रूप में हम लोग अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ा रहे हैं और जब इसको ठीक करें। अस्पताल में कितना एम्बुलेंस? तीन एम्बुलेंस कार्यरत है। दो एम्बुलेंस की स्थिति तो सुनने की जरूरत, एक और एम्बुलेंस की स्थिति, उस एम्बुलेंस में क्या प्रॉब्लम? तीनों एम्बुलेंस में कुछ न कुछ दिक्कतें हैं। अभी 20-25 दिनों से हड़ताल थी, बंद प्रवाह था, उसमें गैरेज में गई थी गाड़ी, लेकिन जैसा कि उनके एसीओ से बात हुई, एक में टायर का इश्यू है, एक में जो है एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था वो इश्यू है, और एक में स्टीयरिंग का इश्यू है, और एक तो जो बैटरी का इश्यू है वो है। तो मतलब कुल मिला के बहुत सारे इश्यूज हैं जिसको हम लोग कलेक्टिवली लिख रहे हैं और उसको एक लेटर के माध्यम से हम लोग सूचित कर रहे हैं। तो सुना आपने, अस्पताल प्रबंधक ने गड़बड़ी पर क्या दलील दी। खैर, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। आए दिन बिहार का स्वास्थ्य महकमा अपनी बदहाली की पोल खुद खोलता है। स्वास्थ्य विभाग की बदहाली की तस्वीर लगातार सामने आती रहती है। कभी मरीज के परिजन अपने मरीज को ठेले पर लिटाकर अस्पताल ले जाने को मजबूर हो जाते हैं, तो कभी किसी डॉक्टर का कारनामा सामने आ जाता है। एक बार फिर ऐसा ही मामला जमुई से सामने आया, जहां मरीज को ले जा रहे एम्बुलेंस को स्टार्ट करने के लिए मरीज के परिजनों को खुद ही नीचे उतरकर बारी बारी से धक्का लगाना पड़ा। लेकिन जरा सोचिए कि अगर एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं होता तो क्या होता। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के नाम पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा तो किया जाता है। हर साल अलग अलग योजनाओं के नाम पर स्वास्थ्य विभाग पैसे भी पानी की तरह बहाता है, लेकिन इन सब के बावजूद व्यवस्थाओं में कोई बदलाव होता नहीं दिख रहा। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद देखने वाली बात होगी कि कुंभकर्णी निंद्रा में सोई हुई बिहार के स्वास्थ्य विभाग की नींद कब खुलती है। आए दिन विभाग की हो रही किरकिरी पर लगाम लगा सके। देखना होगा कि इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। जमुई से राकेश सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।